नमस्कार, मैं निवेदिता विंध्या सिटी 24 में आपका स्वागत करती हूं। चलते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा में मिले युवक की लाश। रात में दोस्त के घर से न्यू ईयर की पार्टी मनाने निकला था युवक। सुबह सड़क के किनारे मिली लाश। शहर के विश्वविद्यालय थाना के अंतर्गत का मामला है। जाँच में जुटी है पुलिस। बताया जा रहा है कि युवक पर चाकू और पत्थरों से प्रहार किया गया है। सूत्रों की माने तो मृतक का नाम प्रकाश उर्फ पिंटू है, जो कि गायत्री नगर में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ रहता है। सीढ़ी का रहने वाला है। इसके पास एक ट्रक भी है जिसे चलाता था। पुलिस को अभी करीब 11 बजे के आसपास सूचना मिली थी विश्वविद्यालय पुलिस को कि ऐसा ऐसा एक शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने आके मौके पे देखा, पतासाजी की आसपास के लोगों से पूछताछ की। शव काफ़ी क्षतिग्रस्त था, उसको कुछ घरेलू चाकू से और उसके बाद पत्थर से सिर में चोट पहुंचाकर उसकी हत्या की गई है। और बाद में बहुत सारे लोगों के देखने के बाद और परिजनों को खबर मिली तो ये निकल के आया कि व्यक्ति का नाम प्रकाश और पिंटू है, जो गायत्री नगर कॉलोनी में अपनी पत्नी और एक बच्ची के साथ में किराए से रहता है। भगवार सीधी का रहने वाला है। एक ट्रक है इसके पास में जिसको ऑपरेट करता है। और जानकारी लगने पर पुलिस को पता लगा कि अपने एक मित्र के साथ में कल रात में इसने नव वर्ष की कुछ पार्टी वगैरह मनाई, वहाँ से निकला था ये गाड़ी लेके। I-10 गाड़ी थी इसके पास। और इसके बाद यहाँ पर इसके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ इसके बारे में पुलिस ने प्रकरण अपने संज्ञान में ले लिया है। पुलिस उसकी जाँच कर रही है, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और नई खबर पाने के लिए बने रहें विंध्या सिटी 24 के साथ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।